We are going to class 8, chapter 15, mensuration, page number 275, exercise 15.3, question number, example 6. An electric geyser, तो आप जानते ही होंगे, a cylindrical shape having a outer diameter 74 centimeter and height 1.5 meter. So, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर है या मीटर. इस थिकनेस ऑफ वॉल यानी इस दीवाल की जो मोटाई है, जो गीजर है वो 2 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना और कैपेसिटी. सो फर्स्ट हम यहाँ पे डायग्राम शो करते हैं गीजर का. तो गीजर का डायग्राम के लिए पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं. ये आपका सिलेंडर हुआ, इसी पे जितना भी वाटर स्टोर होगा वो इसी के अंदर होगा. गीजर मीन्स होता है रिसोर्स ऑफ वाटर, इसका मीन्स है. और एक और लाइन आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया आपका सिलेंडर या होलो सिलेंडर भी इसे बोल सकते हैं. अब ये इसका थिकनेस है, ये एरिया मतलब इसकी मोटाई है. जो वाटर आएगा वो इसके अंदर एंट्री होगा और यहाँ पे स्टोर होगा इसी प्लेस बस में, ठीक है. सो इसका डायमीटर दिया 74, तो श्योर है कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट से पूरा जो लेंथ है ये आपका डायमीटर, और ये आपका स्मॉल जो इस सिलेंडर है उसका डायमीटर होगा. लेकिन हमें यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है कितना, 74 सेंटीमीटर. और जो इसकी हाइट है वो आपको दिया है 1.4 मीटर पे है, तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 1.4 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे लिखेंगे. यहाँ पे दिया हुआ है हाइट 1.4 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का इनटू कर लेंगे, क्लियर. तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 140 सेंटीमीटर. चलिए ये तो क्लियर हुआ हाइट. अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी मोटाई, जो थिकनेस है इसकी मोटाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, इसका जो वॉल है वो 2 सेंटीमीटर है. चलिए भी क्लियर हो गया. तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है डायमीटर. अब सबसे पहले हमें फर्स्ट में फाइंड करना वॉल्यूम, मतलब इसकी कितनी वॉल्यूम है इस सिलेंडर की. तो हमें सिर्फ बाहर से मतलब है, अंदर वाले डायग्राम से कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है. तो उसके लिए हमें तो सभी चाहिए. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच चाहिए. हमारे पास एस तो है, ए सॉरी एस तो है कितना 140 सेंटीमीटर, लेकिन आर यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है. सो डायमीटर आपका है, उससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. सो 74 सेंटीमीटर, सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हम हाफ कर देंगे, 2 3 6 1 2 7 14, यानी 37 सेंटीमीटर. अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गीजर. सो गीजर यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच. सो 22/7 रेडियस 37 इंटू 37 इंटू एच आपका 140. सो 7 2 14 20 आ गया, और इंटू करने में आ जाएगा आपका 6,02,360 सेंटीमीटर क्यूब. ये हुआ वॉल्यूम फर्स्ट का. अब सेकेंड है कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब होता है, वॉल्यूम ही होता है कि वाटर के आने या निकलने में जो भी है. आप कोई भी एक डायग्राम ले लीजिए, उस डायग्राम में आप कितने ऑब्जेक्ट को फिलअप कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, वही कहलाता है वॉल्यूम. ये बात याद रखिएगा. तो इसके अंदर वाटर तो इसी जगह पे स्टोर होगा ना, इस सिलेंडर पे, अंदर वाले में, बाहर में तो होगा नहीं, ये तो दीवार है, यहाँ पे वाटर तो आएगा नहीं. तो हमें सिर्फ अंदर के सिलेंडर से मतलब है. अगर हम इस अंदर वाले सिलेंडर को बाहर कर दें, मान लीजिए ये छोटा सा हमने यहाँ पे बनाया अंदर वाला सिलेंडर, राइट. अब देखिए ये आपका, इसका रेडियस कितना हुआ बड़े वाले का, 37, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक 37 है. तो यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है, यानी थिकनेस 2. अगर हम ये 2 को माइनस कर दें यहाँ पे, तो हमें इसका रेडियस फाइंड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. सो स्मॉल ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ ऑफ इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर. तो इनर सिलेंडर क्या हो जाएगा, 37 जो था आउटर सिलेंडर, उसमें से हम उसके थिकनेस को माइनस कर देंगे,
तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका रेडियस, इसे आप R2 भी लिख सकते हैं, उसे आप R1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और S तो हमारे सेम ही रहेगा, तो हम क्यों इसे फाइंड कर सकते हैं वैल्यूम ऑफ गीजर, ठीक है, या वैल्यूम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, वैल्यूम ऑफ गीजर, तो यहाँ पे गीजर लिख लेते हैं, इक्वल टू सेम फार्मूला होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ हमने यहाँ फार्मूला लिखा है, इसमें R1 आप लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35 × 35, हाइट आपका कोई चेंज नहीं होगा, 140 ही होगा, क्योंकि हाइट तो दोनों सेम थी, 75 × 35, और आप इसे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 53,900 सेंटीमीटर क्यूब। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे वाटर स्टोर होने की बात है, तो उसे हम सेंटीमीटर में तो नहीं बोलेंगे भाई, वाटर कितना फिलअप होगा, हम तो लीटर में बात करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा, जैसे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही आप याद रखिएगा, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये बात याद रखिएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर। तो हमारे पास सेंटीमीटर इतना है, तो क्या लिख देंगे, 53,900 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, वही बात हो गई ना कि 10 पेन की प्राइस 1 रुपीज़ है, तो 1 पेन की प्राइस 1/10, अगर 5 पेन करना है 5 का इंटू कर देंगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 × 53,900, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक और जीरो होगा, ये जीरो एक और जीरो, तो ये जीरो से जीरो ये भी कैंसिल, सो 539 लीटर कैपेसिटी। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ गीजर इक्वल टू 539 लीटर, ये आपका आंसर हो। नाउ कुछ एग्जांपल 7, ए पिट इज डग इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद डायमेंशन, मतलब हम जब जमीन में गड्ढे करेंगे तो उसका डायमेंशन क्या है, 10, 8, and 3 meters, द अर्थ टेक आउट ऑफ स्प्रिट इवेंटली ऑन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब जब उससे जो मिट्टी निकली उसमें भी भाई हम कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे ना, तो मिट्टी भाई कहीं पे भी रखेंगे तो एक मतलब वो टाइप में होगी, स्टैंड होगी, कहीं पे भी रखें फैला तो नहीं देंगे, जब एक जगह रखेंगे एक तो स्प्रेड, चलिए हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, जिसका डायमेंशन 40 और 30 दिया है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्लॉट। तो चलिए समझा रहे हैं, ये मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है, इस पर हम एक डक किए यानी एक गड्ढा खुदाई किए और ये आपका हुआ, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ का प्लेस है, ये मान लीजिए अर्थ का प्लेस है, ये पूरा प्लेस हुआ, आपने ये होल किया मतलब गड्ढे से खुदाई की, ठीक है, या फिर वर्कर के थ्रू पे गड्ढे किए गए और ये पूरा आपका लैंड हुआ, ये जगह इसको पूरा लैंड कर लेते हैं, ओके। अब हम यहाँ से देखेंगे तो ये गड्ढा हुआ, तो भाई यहाँ से मिट्टी जो निकली होगी वो मिट्टी कहीं ना कहीं आप स्टोर तो करेंगे ना, तो मिट्टी जब हम स्टोर किए तो वो भी एक इसी फेस पे ही होगा मिट्टी, राइट, ऐसे मिट्टी ऐसे ही होते जाएगा, भाई ये जो जगह हुआ इस जगह से आपने खुदाई कर दी, अब यहाँ से जो होल हुआ इस जगह जो मिट्टी यहाँ पे आई वो मिट्टी यहाँ पे स्टोर होते जाएगी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना इंक्रीज होगा, यानी मिट्टी कितना ऊपर तक ऐसे जाते जाएगी, तो इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ, हाइट इंक्रीज हुआ, भाई वो कितना ऊपर तक इसकी मिट्टी ऐसे बनाते जाएगी, ऐसे भरती हुई जाएगी, ऐसे भरते हुए कब तक जाएगी, तो इसका जो डायमेंशन है आपका क्वेश्चन पे दिया हुआ है 10, 8, and 3, 10 मतलब लेंथ, ब्रिथ हुआ आपका 8 और उसकी हाइट है 3, राइट। अब इसमें दिया है कि जो मिट्टी बाहर से आई वो मिट्टी 40 by 30, अब हाइट यहाँ पे बचा जो इंक्रीज हुआ, तो हमें यही तो फाइंड करना है, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन में अगर दो नाम आए तो वहाँ पे वैल्यूम भी, और क्योंकि मिट्टी आप निकाल रहे हो, हमने अभी बताया वाटर, जैसे अभी गीजर की बात है, वाटर भरें या निकालें उसमें वैल्यूम ही होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूम ऑफ
सीधे यहाँ पे लिखेंगे, एक साइड आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डक जो हम यहाँ पे किए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लॉट विल इंक्रीज, बस सिंपल। अब वॉल्यूम ऑफ डक ये आपका हो गया, यानी ये किस फॉर्म पे है, क्यूबॉइड फॉर्म पे, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब ये भी आपका क्यूबॉइड फेस पे ही होगा, जैसे आप मिट्टी निकालेंगे वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे आपका डायमेंशन दिया है इसलिए क्यूबॉइड फेस में है। अगर वो ये लिख देता कि 13 के फेस पे है तो आपका फिर वो क्यूब हो जाता, तो यहाँ पे 30-40 है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब यहाँ पे देखिए लेंथ आपका 10 है, ब्रेथ आपका 8 और हाइट 3, यहाँ पे लेंथ 40, ब्रेथ 30 और हाइट हमें जो इंक्रीज हो रहा है उसे हमें चेक करना है। सो एच इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 40 इंटू 30, 10 3 जा 30, 3 से 3 कैंसिल, 8 5 जा 40, यानी हाइट हुआ 1/5 meter। ठीक है, ये आपका आंसर है। और अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे बात हुई कि मीटर, भाई ये 1 meter का 1/5 है, तो मीटर कितने होते हैं, 100, 100 का 5वां हिस्सा है ये, तो 5 से अगर आप कट करेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 meter जो है 100 centimeter होता है। तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 meter इक्वल टू 100 centimeter, सो हमारे पास 1/5 meter है, तो 100 × 1/5, 20 centimeter, ये हुआ हाइट इंक्रीज, और ये आपका आंसर भी हुआ। नाउ एग्जांपल 8, वाटर इज प्योरिंग इनटू अ क्यूबॉइडिकल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 40 लीटर पर मिनट। एक क्यूबॉइडिकल रिजर्वर है जिसमें वाटर फिलअप हो रहा है 40 लीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने फिलअप हो रहे हैं, 40 लीटर, याद रखिएगा। और वो किस फेस पे है, क्यूब फेस पे है। जैसे अभी हमने अभी डक का एक क्वेश्चन आपको दिखाया मिट्टी वाला, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज 84 meter cube। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर के यहाँ पे दिया है 84, तो हमें तो लीटर में कन्वर्ट, लीटर में बताना है कि भाई कितने लीटर फिलअप होंगे, यहाँ तो लीटर में बताया। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया कि 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter, जस्ट अभी बताया। सो आप क्या करेंगे 84 में, क्योंकि 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liter, तो 84 meter cube इज इक्वल टू 84 का आप इंटू कर देंगे तो आपका हो गया 84,000 liter। चलिए क्लियर ये तो हुआ कि उस रिजर्वर में कितना लीटर वाटर आएगा, कैपेसिटी क्या हुई 84,000 की। अब यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्लियर हो गया कि उस टैंक में जो क्यूबॉइडिकल टैंक है उसमें 84,000 liter वाटर आ सकता है, ये उसकी कैपेसिटी हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं भरने की बात कि कितने टाइम में ये फिलअप होगा। तो देखिए 1 minute में 40 liter फिलअप होता है, क्लियर, कितने 1 minute में 40 liter। तो आप यहाँ पे देखिए आपका 1 liter में कितने मिनट्स लेंगे, 1/40 minutes, ये भी तो हो सकता है, जस्ट अमेजिंग। तो यहीं पे लिखा हुआ रेट ऑफ प्योरिंग वाटर 40 liter per minute, तो 1 liter ऑफ वाटर विल प्योर इज 1/40 minutes, यानी 1 liter कितने मिनट्स में फिलअप होगा, 1/40 minutes। तो हमारे पास लीटर कितने हैं, 84,000, क्यों, क्योंकि हमारे पास लीटर है और हमें उल्टे कन्वर्ट पे जाना है। तो 84,000 liter ऑफ वाटर विल प्योर, तो हम क्या करेंगे 1/40 में 84,000 का इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे इंटू, तो इंटू करेंगे तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, ये आ गया आपका 2100 minutes। तो 20 ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन मिनट में है तो इसे आप आवर्स में चेंज कर सकते हैं, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2100 minutes को 60 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि आवर्स में चेंज करने के लिए, तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया और 6 × 3 = 18 और 3 − 6 = 35, और ये 35 आवर्स में कंप्लीट हो गया, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। नाउ एग्जांपल 9, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप, क्रॉस सेक्शन पाइप किसे बोलते हैं, ये आपका क्रॉस सेक्शन पाइप हुआ, ठीक है, ये इसे हम क्रॉस सेक्शन पाइप बोलते हैं,
और ये पाइप हो गया, ये क्रॉस सेक्शन पाइप कहलाया। अब यहाँ पे देखते हैं पाइप जो जिसका एरिया दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर, सो एरिया कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर इज पम्प आउट ऑफ एट द रेट ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर्स, तो उसके अंदर जो पानी की स्पीड है वो पानी की स्पीड कितनी है या वाटर की स्पीड, तो स्पीड ऑफ वाटर कितना दिया है 27 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड इन लीटर एंड लीटर द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लो आउट ऑफ द पाइप इन वन मिनट, तो हमें फाइंड करना है वन मिनट में कितना पानी उसमें फ्लो होगा। मतलब अगर ये वाट जो पाइप है इसके अंदर 27 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है तो वन मिनट में कितना सप्लाई होगा वाटर, तो वन मिनट की बात है और हमारे पास यहाँ आर है तो सबको चेंज करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम चलते हैं एरिया पे, क्यों, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर पे, और अभी हमने आपको बताया था कि भाई लीटर में तो चेंज करना है, क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, राइट। और इसे अप्लाई करने के लिए हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एरिया को, सो एरिया इक्वल टू दिया है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5.4 से सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो दो बार आप डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीड, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर्स में, हमें मीटर में चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड को भी चेंज करेंगे, किस में है 27 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं, 27 अब यहाँ किलोमीटर है भाई मीटर में, तो इसको बदलेंगे लेकिन इससे भी तो बदलना है मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए किस क्या करते हैं 1000, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 अपॉन 1 आर, आर मतलब 1 आर, तो 1 आर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिनट्स, और ये क्या हो गया आपका मीटर, क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब ये हुआ आपका स्पीड, और अब हमें चेक करना है वन मिनट का, तो हम सीधे वैल्यू, भाई पाइप से वाटर फ्लो होगा तो वही बात हो गई वैल्यूम, तो वैल्यूम हम क्या करेंगे, वैल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, जिस किससे जो पाइप से आउट होती है, फ्लो आउट इन पाइप इन वन मिनट, ठीक है, तो वन मिनट में कितना फ्लो होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका एरिया है ये एरिया, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे 5.4 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू स्पीड कितना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप फार्मूला कैसे लिख दिए, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि एक ही फार्मूला होता है वॉल्यूम का, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया ये हो गया आपका, और जितने स्पीड से वो फ्लो करेगा तो उसकी हाइट ऊपर की ओर जाएगी। जैसे मान लीजिए बॉक्स को भरना है तो ये हुआ उसका एरिया नीचे का, अब जितना फ्लो स्पीड से आएगा ऊपर की ओर जाएगा, तो हम यहाँ पे किसका इंटू कर देंगे, स्पीड का, तो स्पीड हमारे पास यहाँ क्या है 27/60 इंटू 1000, ये 12 आपका कैंसिल, 10 एक और कैंसिल, और इसका पॉइंट भी हटाते हैं यहाँ से, तो 54 अपॉन क्या हो जाएगा 10 इंटू एक और 10 है बगल में 27/60। अब ये क्या हुआ आपका मीटर क्यूब, ठीक है, अब मीटर क्यूब को हमको किस में बदलना है, लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 10 इंटू 10 इंटू 27/60 इंटू 1000, अब आपका ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, सो 1 2 3 1 2 एंड 3 6 9 54, सो इंटू करने में आ गया 243 लीटर्स, और ये आपका कंप्लीट हुआ एग्जांपल 15.3 एक्सरसाइज के। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।